आजार का जो नोट बंद किया वो अच्छा निर्णय, उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और जो ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए जिसका उपयोग होता था और पिछले 4-5 सालों में जितने भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के रेड हुए उसमें जितने भी रकम जब्त हुई उसमें 70% से ज़्यादा 2000 के नोट थे। उसकी वजह से भ्रष्टाचार, काला धन जमा करने के लिए सुविधा हो रही थी। यही सोचकर भारत सरकार ने वो बंद कर दिया है और पिछले 2019-20 के बाद उसकी छपाई बंद थी और उसकी वजह से वो नए नोट मार्केट में भी नहीं है। सामान्य आदमी के पास 2000 का नोट अभी फिलवकत नहीं है और ये 2000 का नोट बंद करने से सामान्य नागरिकों को तो कोई परेशानी नहीं होगी। जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने पैसा दबा के रखा है, उनको ही इसकी परेशानी हो सकती है और वही उद्देश्य रख के काला धन जमा ना हो इसके उद्देश्य से ही भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने ये निर्णय लिया। इस निर्णय का मैं स्वागत। अचानक से ये खबर आती है कि 2000 का नोट जो चलन में है वो रिजर्व बैंक की जानिब से बंद कर दिया गया है और हाल ही में कर्नाटक चुनाव में आपको ये देखने को मिला कि 40% वाली सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो ला नहीं पा रही है। जो सत्ता पक्ष है वही भ्रष्टाचार करेगा, यानी कि सीधी सीधी बात है कि आज जो 2000 की नोट जिनके जेबों में बंधी हुई है, जो चलन में, हकीकत में आप भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं और ये सुनने वाले भी निरीक्षण कर सकते हैं कि बहुत दिनों से हम 2000 की नोट को बाजार में नहीं देख पा रहे हैं। मतलब सीधा साफ है कि ये नोट कहीं ना कहीं जाकर जमा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सरकारें होते हुए भी वो अपनी सरकारों को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। सीधी बात है, रिजर्व बैंक ने जो निर्णय लिया है इस वजह से 2000 की नोट को बंद करने का जो निर्णय है, मैं तो ये मानता हूं कि ये सरकार का सबसे बड़ा फेलोर है। जो सरकार तमाम देश भर में गली से लेकर दिल्ली तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी भ्रष्टाचार मुक्त देश करने वाले लोग ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं ये सीधे तरीके से मानता हूं। और ये नोटों के बंद होने और नए नोटों के चालू होने और उसके फिर बंद होने से ये देश पर जो आर्थिक नुकसान, जिस तरीके से जानी नुकसान पिछले नोटबंदी के बाद देश भर में हुआ था, तो इसका पूरे का पूरा जुम्मा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के ऊपर ही रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट चलन से बात करने का निर्णय लिया। हो सकता है कॉमन पब्लिक के हाथ में 2000 की नोट बहुत दिनों से आया भी नहीं रही थी और इससे जमाखोरों को इसका इफेक्ट होगा ऐसा लग रहा है। कॉमन पब्लिक को इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी छोटे बिजनेसमैन वाले हैं वो नियमित अपने बैंकों के व्यवहार वगैरह 30 सितंबर में बैंक में ये 2000 के नोट भर के अपना व्यवहार चला सकते हैं, मगर बड़े बड़े अर्थतज्ञ जो है उन्होंने कुछ सोच के यह निर्णय लिया होगा और इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार ने 2016 में 2000 की नोट चालू की थी, जब लोगों को ये कहा था कि हम देश में से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और जो गरीबों का पैसा है वो पैसा वापस लाने के लिए हमने नोटबंदी की है, और उसके बाद उन्होंने 2000 की नोट चालू की। 2000 की नोट चालू करने के बाद ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार कम करने के लिए नोट चालू कर रहे हैं। आज 2023 में ये नोट और बंद हो गई। आज भी यही कर रहे हैं कि हम ये नोट भ्रष्टाचार बंद करने के लिए ये नोट को बंदी ला रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने क्लियर तौर पर आम लोगों को, इस देश की जनता को कहना चाहिए कि 2000 नोट हम चालू क्यों किए थे और आज बंद क्यों कर रहे हैं। जब तक लोगों का जो कंफ्यूज है वो क्लियर होने वाला नहीं है, तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि वो 2000 नोट जो चालू किए थे वो क्यों किए और आज बंद कर रहे हैं, तो क्यों बंद कर रहे हैं, इसके बारे में आम जनता का जो
इसके बारे में भ्रम है, संभ्रम है, वो क्लियर करने की केंद्र गाड़ी जोर डिप्टी कलेक्टर।